नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक बाइंडर्स में। मेरा नाम है अक्षय और मेरे पास है एक और ग्रेट TWS ईयरफोन अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए, और यह है ड्रम्स का बस TWS ईयरबड। तो ये काफ़ी डिफरेंट है मार्केट के दूसरे TWS ईयरबड से, जिसके फीचर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स हैं वो मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। तो क्या है इसके कुछ खास फीचर्स और क्या है इसका प्राइस पॉइंट और क्या ये है बेस्ट TWS ईयरबड्स मार्केट में राइट नाउ या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की, जैसे कि इक्वलाइजेशन प्रीसेट है, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है, टच कंट्रोल है, 6 घंटे का मैसिव प्लेबैक टाइम है यहाँ पे, और आप इनको आसानी से चार्ज कर सकते हैं USB से, एक्स्ट्रा लार्ज साउंड ड्राइवर्स हैं और आते हैं स्पोर्ट्स के साथ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की फिटिंग देखने को मिल जाएगी, जैसे कि लाइट फिटिंग है, सिक्योर फिटिंग है और इवन स्पोर्ट्स फिट है। तो अपने हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। तो अगर आप जाते हैं जिम में या फिर करते हैं एक्सरसाइज तो आप ये यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट फिट, नॉर्मल के लिए आप लाइट या फिर सिक्योर फिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी और काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ हेडफोन है ये, और ये है मैग्नेटिक। वाह, और यहाँ पे आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी कैसे इनको करना है सेटअप और पेयर। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ड्रम्स के स्पोर्ट्स TWS ईयरबड्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सिक्योर फिट वाले ईयर हुक्स और साथ ही साथ में डिफरेंट साइज के आपको ईयर टिप्स। तो रखते हैं इनको साइड में, और यहाँ पे आपको मिलेगी एक यूजर मैनुअल गाइड। तो डेफिनेटली आप इसको रीड कर सकते हैं और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव यूजर मैनुअल गाइड है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ें अगर आप भी परचेज़ कर रहे हैं ये वाले ईयरफोन्स। और साथ ही साथ में आपको मिलेगा एक पेयरिंग का QR कोड, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप इसमें जाके वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा बॉक्स, और ये थोड़ा सा ज़्यादा भारी है कंसिडर करते हैं और दूसरे ईयरबड्स के साथ। तो बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और अगर आप इसको पलटेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे स्पोर्ट्स वाले ईयर हुक। तो आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ करिए और वापस इसी में प्लेस कर दीजिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इन वायरलेस TWS की। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे दो TWS ईयरबड्स। करते हैं इनको एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के लिए आपको प्लेस करना पड़ेगा, इसमें लेफ्ट और राइट का ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए पावर, और यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा 80% बैटरी। तो ये काफ़ी आसानी से चार्ज होने लगेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ज हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा केस यहाँ पे इन्होंने बनाया है चार्जिंग के लिए। और बॉक्स में साथ ही साथ में आपको मिलेगी एक USB-C टाइप केबल चार्जिंग, तो ये बहुत ही ईजिली चार्ज हो जाएंगे। और USB-C है यानी मैं अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, इवन अपने ईयरफोन को सिर्फ और सिर्फ सिंगल केबल के साथ चार्ज कर सकता हूँ। मुझे ढेर सारी केबल लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। पेयरिंग प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। रिमूव करिए अपने ईयरबड्स को और ये फ्लैश करेंगे ब्लू लाइट, यानी कि ये हैं रेडी टू पेयर। ओके, यहाँ पे आपको अवेलेबल डिवाइसेस में देखने को मिल भी जाएगा ड्रम्स बस, और बूम, ये हो गए हैं पेयर। वाह, तो अब करते हैं म्यूज़िक को प्ले और टेस्ट करते हैं इनकी बटन फंक्शनैलिटी। तो अगर बात करते हैं प्ले एंड पॉज फंक्शनैलिटी की, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। आप देखेंगे जो डिले है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम है और ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। जैसे आप प्रेस करते हैं बटन को, आप देखेंगे कि कमांड यहाँ पर रिसीव हो गया है। साथ ही साथ ये टच सेंसर के साथ, और ये जो टच कंट्रोल है वो भी काफ़ी अच्छी है। डबल टैप करेंगे तो आप जाएंगे नेक्स्ट ट्रैक में, और ट्रिपल टैप करने पे आप जाएंगे प्रीवियस ट्रैक में। तो स्विचिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है, और कोई भी डिले यहाँ पे स्विचिंग में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रेस एंड होल्ड रखेंगे लेफ्ट ईयरबड को 1 सेकंड के लिए, तो आप देखेंगे आप आसानी से कॉल कर सकते हैं अपने वॉइस असिस्टेंट को, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, और ये आसानी से मेरी वॉइस को पिक कर लिया है और उसके अनुसार इसने रिजल्ट्स भी शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको विजुअल डिले देखने को नहीं मिला है, और इसका जो माइक्रोफोन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप डबल टैप करेंगे राइट ईयरबड में तो आप इक्वलाइजेशन जो प्रीसेट हैं उनको चेंज कर सकते हैं, और 5 डिफरेंट तरीके के इक्वलाइजेशन दे रखे हैं, उनको आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप ट्यून भी कर सकते हैं,
ये फंक्शनलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अभी तक मैंने जितने भी ईयरफोन ईयरबड्स से हेडफोन देखे हैं, मैंने किसी भी हेडफोन में ये फंक्शनलिटी नहीं देखी है जहाँ आपके प्रीसेट सेव्ड होते हैं और आप अपने म्यूज़िक प्रेफरेंस के हिसाब से उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शनलिटी लगी और इनके जो टच सेंसर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी हैं। आसानी से आप इनको यूज़ कर सकते हैं और आपको कोई भी डिले या फिर लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ईयरफोन्स पास होते हैं हमारे बटन टेस्ट में। तो ये काफ़ी यूनिक किस्म के ईयरबड्स हैं और जो इनकी कंफर्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है और ये बड़ी आसानी से आपके कान में फिट हो जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये प्रोलॉन्ग ईयरबड। तो ये वर्क करता है ऐसा माइक्रोफोन, ये थोड़ा सा पास है आपके मुँह के, तो जो इसकी माइक क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और डेफिनेटली आप इनको यूज़ कर सकते हैं वॉइस या वीडियो कॉल में। बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ की, तो वाह, इनमें है 5 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम और साथ ही साथ ये जो चार्जिंग केस है ये चार्ज कर सकता है अराउंड 12 से 15 टाइम आपके ईयरबड्स को। तो अगर आप इनको डेली यूज़ कर रहे हैं 2 या 3 घंटे के लिए तो आपको 1 महीने का बैटरी बैकअप यहाँ पर देखने को मिलेगा, और रेगुलरली अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं 6 से 7 घंटे के लिए तो भी आपको 10 से 15 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा चार्जिंग बॉक्स हैवी है और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ इसमें डिफरेंट बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं ताकि आप चेक कर सकते हैं इसमें बैटरी परसेंटेज। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है वो ये है कि अगर आपका फ़ोन हो जाता है डेड और अगर आपके पास कोई भी पावर बैंक नहीं है तो ये वर्क करते हैं ऐसे एक्सटर्नल और एमरजेंसी पावर बैंक, और आप अपने फ़ोन को डेफिनेटली रिवाइव कर सकते हैं 20 या 30% बैटरी, क्योंकि इनमें है 2000 mAh का पावर बैंक और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो आपको कोई भी पावर बैंक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको रेगुलरली अपने फ़ोन को चार्ज नहीं करना है और सिर्फ आपको ज़रूरत है एमरजेंसी केसेस में, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पावर बैंक है। इनकी फिटिंग है वो बहुत ही बेहतरीन फिटिंग है, इवन विदाउट स्पोर्ट्स ईयरबड्स के ये काफ़ी आसानी से फिट हो जाते हैं, और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है तो ये आसानी से आपके कान से गिरने वाले नहीं है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं TWS वायरलेस ईयरबड्स 5000 के अंदर, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप परचेज़ कर सकते हैं ईयरबड्स को। इनका बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए टेकबाइंडर्स को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी नई वीडियोस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।